जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम आ चुके हैं कोर्स की 6 वीडियो पे। अगर तो आपके पास आर्थर अकाउंट आ चुका है, अगर आपके पास आर्थर अकाउंट है और आपके पास ऑर्डर आ चुका है उसी आर्थर अकाउंट पे, तो आपने कैसे पब्लिश करना है, ये मेन चीज़ होती है जो मैंने काफ़ी दफ़ा फेस की। मुझे काफ़ी मुश्किल हुई पोस्ट करते वक्त, अगर तो आपके पास आर्थर आ जाता है, वरना फिर आप ढूंढते रहते हो आर्थर पोस्ट कौन लेता है, आर्थर पोस्ट इस आर्थर की चाहिए होती है। आपको मोस्टली इस वेब मार्केट में ना आर्थर मिल जाते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, डिमांडिंग साइट्स पे भी मिल जाते हैं, मोस्टली टाइम बिजनेस न्यूज़ कोपर्थ का आर्थर आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास आर्थर आ जाता है तो फिर आप खुद एडमिन जो है, आप खुद मतलब आर्थर पोस्ट खुद कर सकते हो, किसी से करवाने की क्या ज़रूरत। ज़्यादा 2-3 मिनट लगते हैं या ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप खुद पोस्ट कर सकते हो। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है, अब आपके सामने मैं ये पोस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका जो है आर्थर लॉगिन किया हुआ है, मैंने ये न्यू पे क्लिक करके पोस्ट पे क्लिक करूँगा। जो टाइटल मैंने कॉपी कर लिया, इमेज आपने डाउनलोड कर लेनी है जो भी आर्टिकल के अंदर हो क्लाइंट की। अब यहाँ पर मैं टाइटल में जो है टाइटल पेस्ट कर दूंगा। टाइटल पेस्ट करने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि उसने कहा है एक इंटरनल लिंक होगा। इंटरनल लिंक का मतलब इसी वेबसाइट का लिंक, एक आर्टिकल जो है उसमें ही आपने किसी जगह पे लगाना है। वो कहता है कसिनो पोस्ट अलाउ नहीं होगी, फीचर इमेज होगी एक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पूरा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इमेज के नीचे पूरा आर्टिकल है, मैं यहाँ पे पूरा आर्टिकल पेस्ट करता हूँ, जहाँ पे ये देखें लिंक्स लगे हुए हैं। पूरा आर्टिकल सेलेक्ट कर लेना है आपने, सेलेक्ट करने के बाद आपने पूरा आर्टिकल वैसे का वैसा पोस्ट कर देना है वहाँ पर। पूरा आर्टिकल आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर फीचर इमेज नहीं है, फीचर इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होगा फीचर इमेज का, यहाँ पे ऐड करने का। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पर फीचर इमेज ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया फीचर इमेज ऐड करेंगे, हम अपलोड करेंगे यहाँ पर। वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी, डाउनलोड के सेक्शन में जाकर यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट कर ली। अब आपने यहाँ पे आर्ट टेक्स्ट, उसमें भी आपने ये चीज़ जो है टाइटल आर्टिकल का जो टाइटल है आपने वही आर्ट आर्ट में आपने यहाँ पे लगाना है। आर्ट टेक्स्ट पे भी यही, नीचे सेम टू सेम टाइटल में भी यही, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा सेम टू सेम इसमें भी यही लगाना है आपने। और यहाँ पे सेट फीचर इमेज कर देना है आपने, फीचर इमेज सेट हो गई है। अब आपने स्लग मेटा और कीवर्ड फोकस की फ्रेज ये लगाना है। फोकस की फ्रेज में आपने क्या लगाना है, आपने देखना है टाइटल में मेन चीज़ क्या दिखाई जा रही, क्या शो की जा रहा है। वाटर प्रूफिंग ऑफ बेसमेंट, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ये हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक हो गया, अब आपने सीधा सिंपल आपने की फ्रेज पे आ जाना है, फोकस की फ्रेज पे। फीचर में लग चुकी है, फोकस की फ्रेज पे आके आपने ये लगा देना है। यहाँ पर स्लग में आपने टाइटल लगाना है, स्लग में आपने क्या करना है, ये आप इसकी एसईओ कर रहे हो आर्टिकल की, वेबसाइट के हिसाब से। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका टाइटल कॉपी कर लेना है सिंपल, और आपने यहाँ पर स्लग में लगा देना है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने कोई भी 2 लाइन, 2 से 3 लाइंस आपने आर्टिकल के स्टार्ट की 2-3 लाइंस आपने वो लगानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इतना कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर स्लाइडिंग तक कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर मेटा में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, देखें कितना इजी है। अब यहाँ पे ऐड कर दिया, अब इसकी एसईओ भी हो चुकी है, ठीक हो गया। अब इसकी देख लें, अब यहाँ पे रीडेबिलिटी पता क्या होती है, एक पैराग्राफ में मैक्सिमम 300 वर्ड्स हों, इससे ज़्यादा ना हो, ये होती है रीडेबिलिटी। अब यहाँ पर उसने कहा है कि एक इंटरनल आपने लिंक लगाना है, इंटरनल लिंक होता है आप वेबसाइट का लिंक लगाते हो किसी भी एंकर के अंदर। हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिंक लगाने का ऑप्शन मिल गया हमें, यहाँ पर हम इसको लिंक लगा देते हैं।
और इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर ये लिंक लग गया। अब आपने क्या करना है, अगर तो यहाँ पर जो आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगे हैं, जैसे कि ये लिंक लगे, इसका आपने कलर चेंज करना है, तो वो भी आप कलर चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे ही वो उसने दिया है आप वैसे भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। अब ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर हो चुकी है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो हमारा किसके रिलेटेड है, वो हमारा बिज़नेस के रिलेटेड है, क्योंकि ये बिज़नेस के रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे आपने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, कोई एक। और यहाँ पर वाटर प्रूफिंग जो हमारे मेन टैग्स हैं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग है हमारा मेन कीवर्ड जो है, टैग जो है वाटर प्रूफिंग हो गया, बेसमेंट हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये आपने ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद आपने ये आपके टैग्स भी हो जाएंगे। ये देखिए रीडेबिलिटी क्या गुड आ गई है, SEO भी गुड आ गई है। इसमें आपने यहाँ पर ओके कर देना है। बेसमेंट मेन चीज़ तो एक दो तीन ही होते हैं बस, में बेसमेंट वाटर डैमेज ये आपने ओके कर देना है। ये आपके दो टैग्स ऐड हो गए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर सब कुछ आपका ओके हो चुका है यहाँ पर। अब आपने इसको एक बार ना सेव ड्रॉफ करेंगे तो ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। एक बार आपने इसको सेव ड्रॉफ किया, ड्राफ्ट सेव कर लिया। ड्राफ्ट में सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पर एक बार फिर देख लें। आपके सामने ये हर चीज़ ओके हो चुकी है, स्लग भी ओके हो गया है, हमारा मेटा वगैरह भी हर चीज़ हो चुका है हमारा यहाँ पर। एक चीज़ और रहती है आपकी यहाँ पर, आपकी यहाँ पे ये रहती हैं जो हमारा आर्टिकल था, आर्टिकल वो हमारा रिमूव हो गया, लेकिन आर्टिकल दोबारा हम चलो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक बार आर्टिकल जो हमारा यहाँ पे है, तो हमारा ये आर्टिकल सारा का सारा वैसा का वैसा आ गया। अब यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा हम इसको इस लिंक को हम यहाँ पर लगा देते हैं। लिंक लगा दिया। अब सिंपल हमारी हर चीज़ यहाँ पर हो चुकी थी। अब हमने यहाँ पर सिंपल इसको ईच एंड एवरीथिंग आपकी हो चुकी है। वैसे अगर आप इसकी हेडिंग्स जो हैं, इसकी जो हेडिंग्स हैं टाइटल्स की, वो ऑलरेडी बोल्ड हैं, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं बोल्ड इसको। हर चीज़ देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपल इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद यहाँ पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। आप व्यू पोस्ट करेंगे तो आपकी आथर पोस्ट लग चुकी है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आथर पोस्ट आपकी लग चुकी है। ये देखिए सेम टू सेम वही टाइटल, वही हर चीज़ यहाँ पर देख लें, आपकी सेम टू सेम वही पोस्ट लग चुकी है। अब यही लिंक आप उसको कॉपी करें और आप एड जो है आपका क्लाइंट उसको सेंड कर दें, कहें कि सर आपका आर्टिकल पोस्ट हो चुका है, काइंडली पेमेंट कर दें हमें। सिंपल यही प्रोसेस था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।